स्कूल में जब हमने सारे टीचर्स को ऐड कर दिया, उसके बाद अलग अलग कोर्सेज बनते हैं, अलग अलग एलोकेशन होते हैं, किसी टीचर को कोई सब्जेक्ट कोई देने की जरूरत पड़ जाती है, कोई टीचर चला गया उसके सब्जेक्ट दूसरे टीचर को देने, इस प्रकार से किसी भी एक टीचर को या किसी एक टीचर को कोई कोर्स देना है या किसी कोर्स में दो टीचर्स को ऐड करने हैं, तो इसके लिए हमने ऐड यूजिंग कोर्स कोड, तो ये एक ऑप्शन रखा है ओनली फॉर टीचर्स। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो ये प्रक्रिया में हम जो है जिस भी कोर्स के अंदर जाना है, हम हमारी एडमिन लॉगिन में लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके हम, जैसे मुझे क्लास ए के अंदर कोई क्लास टीचर देना है, तो मैंने क्लास एट को सर्च किया, क्लास एट का कोर्स खुला, उसके अंदर चला गया, तो यहाँ पे कोर्स मैनेजमेंट के अंदर ऐड टीचर का ऑप्शन है, तो मैं ऐड टीचर पे क्लिक करता हूँ। जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आता है यहाँ पे कोर्स कोड का ऑप्शन, तो कोर्स कोड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। नीचे कोड जनरेट नहीं हुआ है इसलिए मैं जनरेट कोड बोलता हूँ। जब जनरेट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोड मिल जाता है। तो ये जो कोड है ये क्लास एट के कोर्स में टीचर बनने का कोड है, बहुत संभाल के रखिएगा, इसको हर एक व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, और टीचर को जब देना है तो ये कॉपी कर लें और टीचर अपने अपने लॉगिन में जाए, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आता है ज्वाइन अ कोर्स का ऑप्शन आता है, तो ये ज्वाइन अ कोर्स के ऑप्शन पे वो क्लिक करेंगी, तो जब क्लिक करेंगी तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उसके अंदर ये कोड डाल के यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, तो इससे वो टीचर क्लास एट में क्लास टीचर बन जाएगी।